साईराम चिल्ड्रन, आज हम तबले की तालों के बोलों से ही तिहाइयां बनाएंगे। एक आवर्तन की देखिए किस तरह से बनती है तिहाइयां। तो पहला हमारा सबसे छोटा ताल जो है वो दादरा ताल है। अब तिहाइयों का प्रकार हम कैसे बना सकते हैं, तिहाई हम कैसे बनाते हैं हमें पता है। तिहाई बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी बोल को 3 बार बजाएंगे तो तिहाई। अब यहाँ हम दादरा की अगर तिहाई लेते हैं तो दादरा की तिहाई धाधी ना धाती ना धा कत धाधी ना धातु ना धा कत धाधी ना धातु ना धा, ये 3 बार बजाएंगे तो हमारी संपराकर खत्म हो जाती है, ये छोटी सी तिहाई बन गई। तो पहले इसे एक बार हाथ पे देखेंगे। दादरा ताल हमारी 6 मात्रा का होता है, है? और अब इसे दुगुन लय में बजाएंगे और फिर उसको 5 मात्रा का बोल बनाएंगे। 5 मात्रा का बोल बनाना इन द सेंस की तिहाई हमें त्रिताल में लेना है, 16 मात्रा में तिहाई लेना है। तो हमें क्या करना होगा, कोई भी बोल हमें 5 मात्रा का बनाना होगा और 3 बार उसे हम बजाएंगे तब जाकर ये संपर आता है, एक बार बीच में दम देने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम दादरा ताल की तिहाई बनाएंगे। तो क्या होता है, धा धी ना धा ती ना धा कर धा धी ना धा ती ना धा, इस तरह से हम बनाना सीखेंगे। तो पहले हम देख लें कि तिहाई क्या होती है। जैसे धा धी ना धा ती ना धा एक धा, अब यहाँ पे 3 मात्रा धा धी ना धा ती ना अगर मैं दुगुन में बजाता हूँ तो 3 मात्रा होती है। तो हमें यहाँ पे एक 4थी मात्रा धाती धा लगा करके हमें इसे पूरा करना होगा। तो इसमें एड भी कर सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं, हटा नहीं सकते, कुछ एड कर सकते हैं, मात्रा बढ़ा सकते हैं, ऐसा करके हम इसे 16 मात्रा के अंदर फिट करेंगे, है ना। हमारी दादरा की तिहाई कैसी जा रही है, देखो धा धी ना धा तू ना धा ती धा कर, यहाँ पे एक कद गिर गई। अब ये हाथ पे देखते हैं इसे कैसा हो रहा है, धा धी ना धा ती ना धा ती धा कर धा धी ना धा तू ना धा ती धा कर धा धी ना धा तू ना धा ती धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धी ना धातु ना धाति धा कर धा धी ना धातु ना धाति धा कर धा धी ना धातु ना धाति धा, या फिर बजाएंगे धिन धा। बड़ी आसान तिहाई है, दादरा के बोल हमें आते हैं, हमने दादरा को 3 बार बजाया और सम पे लाने के लिए हमने धाति धा का इसमें एड किया है शब्द और एक एक मात्रा का दम दिया है। इसी तरह से हम देखें तो हमारी एक रूपक ताल भी छोटी होती है, वो भी किस तरह से इसमें तिहाई में ले सकते हैं, हम ये देख सकते हैं। अब रूपक जो होती है 7 मात्रा की होती है, तो इसको हम अगर 3 में बांटेंगे तो थोड़ा सा कठिन होता है, इसीलिए हमें आधी आधी मात्रा का गैप देना होगा। मतलब किस तरह से देंगे वो देखेंगे। धा तिन तिन धा तिन धा तिन तिन ना धी ना धी धा, यहाँ मैंने आधी मात्रा छोड़ी, यहाँ पता पड़ी किस तरह से छोड़ी, फिर से देखेंगे। धा तिन तिन धा ता तिन तिन धा तिन तिन ना धी ना धी ना धा तिन तिन ना धी ना धी ना धा तिन तिन ना धी ना धी ना धा तिन तिन ना धी धा बजाने के बाद में हमें थोड़ा सा गैप देना है और फिर तीन तीन ना शुरू करना है। अब इसको हाथ पे भी हम देखें तो किस तरह से होता है, है ना। 9-10 से शुरू करता हूँ, टाइम बचेगा हमारा। 9-10 11-12 13-14 15-16
तिन तिन नाधी नाधी नाधा, तिन तिन नाधी नाधी नाधा, तिन तिन नाधी नाधी नाधा। अब यहाँ मैं गैप जो कह रहा हूँ उसे हम कत भी बजा सकते हैं या हम गैप मतलब रुक भी सकते हैं वहां पे, इस तरह से हम इसे पूरा कर सकते हैं। फिर से देखेंगे एक बार, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, तिन तिन नाधी नाधी नाधा कर, तिन तिन नाधी नाधी नाधा कर, तिन तिन नाधी नाधी नाधा, दिन दिन ये आपको समझ में आ गई होगी, तिन तिन ना धी ना धी ना धा कर, तिन तिन ना। तो हमें जो आधी मात्रा किस तरह से छोड़ना है, आप बार बार ये सुनेंगे बोलेंगे तो आपको ये करना आ जाएगा। इसी तरह से हम कहरवा की भी तिहाई बना सकते हैं, वो तो बड़ी आसान बन जाएगी, उसमें तो समान बोल ही है, चार चार मात्रा के बोल है, धा लगाएंगे तो पांच मात्रा पूरी होती है हमारी। तो किस तरह से होगा, धागे न ती न क धी न धा आ, धागे न ती न क धी न धा आ, धागे न ती न क धी न धा। बड़ा आसान है ये तो, है ना। अभी से बजा के देख लेते हैं हम। हाथ पे देखें, धागे न तीन कधी न धाकर, धागे न तीन कधी न धाकर, धागे न तीन कधी न धा। इस तरह से हमने आज तीन तिहाइयां सीखी। अब तीनों तिहाइयों को मैं एक बार बजा के बता देता हूँ कि किस तरह से ये बज रही है। पहले हम दादरा की लेंगे, फिर रूपक की लेंगे और फिर कहरवा की। लय यही रखेंगे, अगर लय हम बढ़ाकर भी बजाएं तो भी बराबर की लय में आ जाएगा, है किस तरह से आएगा वो देखिए। पहले दादरा की, तो आपको समझ में आएगा समझे होंगे नहीं। फिर से ये दादरा की थी। अब रूपक की, अब कहरवा की आठ मात्रा, इस तरह से हम ये तीन तिहाइयां बजा सकते हैं। मैंने आपको ये तीनों तिहाइयां हाथ पर ताली देकर भी समझाई है,
आप इसकी रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ सकती है। आज की क्लास में इतना ही, कुछ और नई तिहाइयां हैं और कुछ और नए बोलों के साथ में हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए शांति पाठ से क्लास का समापन। ओम शांति शांति शांति। साईं राम।